डेली लिविंग के हिसाब से मुयस्सर हैं। मेडिकल स्टोर्स, बैंक्स, पेट्रोल पंप, इस तरह की आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। कर्मा वाला स्टॉप जहाँ से मेन फार्मर्स फेज 5 की एंट्रेंस है, वहाँ तक का तकरीबन कुछ 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वीडियो में आप आगे चल के भी देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिटी भी मौजूद है, बाकी इंशाल्लाह फर्दर सीवरेज का भी हम बेहतरीन निज़ाम करेंगे इसका। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जुनैद अहमद खान खावर प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर एक नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ हाजिर है। इस दफ़ा हम बरकी रोड पे खड़े हैं और फार्म हाउसेस से रिलेटेड ये वीडियो है और इसका यही टॉपिक है। फार्मर्स फेज 5 फाइनली लॉन्च हो चुका है। फार्मर्स फेज 1 और फार्मर्स फेज 2 की ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी के बाद, तो फार्मर्स फेज़ 1 में जैसा कि आपने डेवलपमेंट्स भी देखी, फेज़ 2 में भी डेवलपमेंट्स देखी, उनके रेट्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियोस के थ्रू बता चुका हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी वीडियोस पड़ी हैं, आपको नज़र भी आ जाएंगी। तो कामयाबी के बाद एक ज़बरदस्त किस्म का नया पैकेज फार्मर्स फेज़ 5 की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से एक लॉन्च किया गया है फार्मर्स फेज़ 5, और उसकी लोकेशन पर हम जा रहे हैं। अभी मेरे लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो DHA फेज़ 7 का टी ब्लॉक है जहाँ से हम अभी निकले हैं। DHA फेज़ 7 के टी ब्लॉक से हमने एग्ज़िट लिया है और हम बरकी रोड पे आए हैं, और बरकी रोड से अब हम बिल्कुल, ये हमारे सामने जो है वो BRB नहर है। अब BRB नहर को क्रॉस करके हम आगे फार्मर्स फेज़ 5 जो कि कर्मा वाला स्टॉप की बेहतरीन लोकेशन पर मौजूद है, वहाँ पे हम जाएंगे और इंशाल्लाह आपको अपना ये जो डिस्टेंस है वो कैमरे की नज़र से भी साथ साथ दिखाते जाएंगे। तो आइए मेरे साथ। ये तो व्यूवर्स, इस वक्त अब DHA फेज़ 7 से जैसे ही निकले हैं बरकी रोड पे, तो ये बरकी नहर है, इसको हम यहाँ से क्रॉस करके आगे जाएंगे और आगे हमारे जो है वो आपको हम मज़ीद यहाँ की जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ से हैं बरकी रोड की, वो भी साथ साथ आपको कवर करेंगे, दिखाएंगे, ताकि आपको आइडिया हो यहाँ के रोड का, यहाँ की ट्रैफिक का, उसके बाद यहाँ की जो आपको नियर बाय एमेनिटीज़ जिनमें कमर्शियल्स हैं, बैंक्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो जो इसमें नज़र आए वीडियो में, और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। कुछ रोड यहाँ पर एक पैच ख़राब था, वो भी यहाँ पर नया डेवलप हुआ है, बना है, तो आपको साथ साथ वो भी गाइड करेंगे, ताकि आपको ये कंप्लीट जो है वो फार्मर्स फेज़ 5 तक की जो लोकेशन है उसमें इस लोकेशन की मदद मिले और आप थोड़ा हेल्प आउट होंगे आपको कि ये जो फेज़ 7 से जब निकलें तो किस तरफ जाया जाए और कितनी को लोकेशन बनती है। इसका जो टोटल डिस्टेंस बनता है, अगर हम डिस्टेंस की बात करें, तो जैसे ही हम फेज़ 7 टी ब्लॉक से एग्ज़िट लेते हैं और बरकी नहर पे आते हैं, तो नहर से तकरीबन कोई 4 किलोमीटर का इसका टोटल डिस्टेंस बनता है। फेज़ 2 और फार्मर्स फेज़ 1 का जो डिस्टेंस था वो 3.75 किलोमीटर था, और ये उससे थोड़ा सा आगे है, तो इसका टोटल जो डिस्टेंस बनता है वो तकरीबन कुछ 4 किलोमीटर और तकरीबन 7 से 8 मिनट की ड्राइव बनती है। व्यूअर्स, ये इस वक्त हम बरका स्टॉप से गुजर रहे हैं, बरकी रोड, बरकी नहर क्रॉस करें तो ये पहला जो है वो बरका स्टॉप आता है, और यहाँ पे आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी नज़र आएंगी, जैसे एक आबादी होती है, उसका बाहर मेन रोड पर फिर बाज़ार होता है, तो ये भी यहाँ पर भी आपको काफ़ी जो है वो चीज़ें जो है वो डेली लिविंग के हिसाब से मुयस्सर हैं। मेडिकल स्टोर्स, बैंक्स, पेट्रोल पंप, इस तरह की आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। और सामने अगर आपको वीडियो में नज़र आए तो कुछ यहाँ पे पैच ख़राब था, तकरीबन कोई 100-200 मीटर का पैच ख़राब था, तो उस जगह को भी यहाँ पे कारपेट किया गया है और थोड़ा सा यहाँ पे रोड को सीधा किया गया है, और फर्दर इंशाल्लाह मज़ीद आगे बरकी रोड की एक्सटेंशन की भी कुछ ख़बरें हैं मज़ीद इंशाल्लाह। शायद जैसे आपने देखा कि बरकी नहर से पहले जैसे रोड को डबल किया गया था, सेम उसी तरह बरकी नहर के बाद का जो रोड है उसको भी इंशाल्लाह फ्यूचर में जो है वो डबल करने की ख़बरें हैं, तो वो भी हम आपको साथ साथ इंशाल्लाह आगे जो है अपडेट करेंगे। तो ये जो है वो पैच था, तकरीबन ये मेरा ख्याल है कि 200 से 400 मीटर तक का ये पैच है जिसको बनाया गया है, और ये काफ़ी ख़राब था। यहाँ पे आपको ज़्यादा जब आप आए हैं तो पानी शानी खड़ा हुआ नज़र आता था, तो इसको जो है वो अब तरतीब दे दी गई है। व्यूअर्स, हम फार्मर्स फेज़ 1 और 2 की लोकेशन से गुजर रहे हैं, और यहाँ से ऑलमोस्ट तकरीबन हमने मज़ीद 700 से 800 मीटर आगे जाना है। टोटल डिस्टेंस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नहर से
करमा वाला स्टॉप जहां से मेन फार्मर्स फेस 5 की एंट्रेंस है वहां तक का तकरीबन कुछ 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आगे हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो करमा वाला स्टॉप है, वहां पे चल के इंशाल्लाह आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं। व्यूअर्स, ये हम करमा वाला स्टॉप से अब लेफ़्ट ले रहे हैं, बरकी रोड से लेफ़्ट जैसे ही लेते हैं करमा वाला स्टॉप से अंदर। ये आप देख सकते हैं कि आपको कारपेटेड रोड यहाँ वेलकम करती है, कुछ 30-35 वाइड रोड है जो कि फुली कारपेटेड है। और यहाँ पे मोस्टली आपको जो है वो फार्म हाउसेस से रिलेटेड सोसाइटीज़ नज़र आएंगी और ज़्यादातर यहाँ पे आपको काफ़ी प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे फार्म हाउसेस के। और बहुत ही यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि मशहूर ओल्ड फार्म हाउस सोसाइटी भी है बिलकिस्सा रिट्रीट्स के नाम से, जो कि zameen.com का प्रोजेक्ट रहा है। तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको नज़र आएगा कि ये स्ट्रीट है, एक गली जाती है 100 मीटर का जिसका डिस्टेंस है। तो उस गली के अंदर आपको मज़ीद आगे वीडियो में नज़र आएगा कि ये हमारी जो है वो फार्मर्स फेस 5 की लोकेशन है। तो ये आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे आपको बड़ा खूबसूरत नेचुरली रिच एनवायरनमेंट नज़र आता है, फसलें यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगी। और जो बेसिकली आपको फार्म हाउसेस का कॉन्सेप्ट होता है बिल्कुल उस पे ये चीज़ रिलाई करती है, बिल्कुल फार्म हाउसेस के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए ये जगह का इंतखाब किया गया और बड़ी बेहतरीन इसकी लोकेशन है। तो व्यूवर्स, ये हम बिलकिस्सा फार्म्स है, ये भी एक फार्म हाउसेस सोसाइटी है, zameen.com का प्रोजेक्ट है। और यहाँ से हम गुजरते हैं और आपको वो जो सामने रोड नज़र आ रहा है वो सीधा जाता है IVY फार्म्स की तरफ। और यहाँ से हम जैसे ही लेफ़्ट लेंगे तो यहाँ इस लोकेशन पे हमारा फार्मर्स फेस 5 लोकेटेड है। और ये जो स्ट्रीट है इसका भी तकरीबन कोई 100 मीटर्स का डिस्टेंस है। और हम आपको जैसे ही आगे गेट पे लेके जाते हैं और आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स, हम फार्मर्स फेस 5 में इस वक्त एंटर हो चुके हैं और ये फार्मर्स फेस 5 की लोकेशन है। और ये 1 साल के इजी इंस्टॉलमेंट्स के प्लान पर हम आपके लिए लेकर आए हैं और तकरीबन 65 लाख पर कनाल यहाँ पे आस्किंग है। 1 साल यानी कि 12 महीने का आपको पेमेंट प्लान मिल जाता है। 30% पेमेंट आप अगर अदा करते हैं तो उस पे आपको जो है वो हम 50% पेमेंट पे आपको हम इसका पोजेशन देंगे, 30% पेमेंट इसकी इनिशियली आपने अदा करनी होगी। तो ये बड़ी अच्छी लोकेशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मोस्टली यहाँ पे बाउंड्री वॉल है, आपको हर जगह बाउंड्री वॉल नज़र आएगी। एक ही इसका एंट्री एग्जिट का गेट है और आपको यहाँ पे लेफ्ट राइट पे काफ़ी फार्म हाउसेस भी डेवलप नज़र आ जाएंगे, क्योंकि ये जो लोकेशन है, ये जो जगह है, यहाँ पर मोस्टली आपको फार्म हाउसेज़ की सोसाइटी देखने को मिलती हैं। तो ये नेचुरली बड़ी रिच जगह है और आपको एनवायरनमेंट भी बड़ा बेहतरीन मिल जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे आगे फ्यूचर में काफ़ी डेवलपमेंट्स के प्लान्स भी हैं। जैसे ही यहाँ पे रोड को कारपेट किया जाता है या मज़ीद कोई डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे तो ज़ाहिर है फिर उसमें रेट में भी आपको बाउंस नज़र आएगा। जैसा कि फार्मर्स फेज़ 1 और फेज़ 2 में आपको बताया गया था कि इनिशियली उसका जो लॉन्चिंग रेट था वो बहुत मुनासिब था, फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट उसमें स्टार्ट की गई तो उसके रेट्स में भी एक बाउंस आया। तो अभी ये इनिशियली इसकी लॉन्चिंग है, अगर आप इसको आज बाय करते हैं तो गारंटीड है 100% के जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट कंप्लीट होती है तो इसमें रेट में बाउंस डेफिनेटली आएगा। ये तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि फार्मर्स फेज 5 की बेहतरीन दिलकश लोकेशन पे इस वक्त हम खड़े हैं। और यहाँ पे आपने देखा होगा अमेनिटीज़ में आपको काफ़ी चीज़ें नज़र आई होंगी, वीडियो में आप आगे चल के भी देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिटी भी मौजूद है, बाकी इंशाल्लाह फर्दर सीवरेज का भी हम बेहतरीन निज़ाम करेंगे इसका। और इसके अलावा आपको यहाँ पे बने बनाए फार्म हाउसेज भी नज़र आ रहे हैं। इसकी लॉन्चिंग अभी तक नहीं हुई, लॉन्चिंग से पहले भी यहाँ पे लोगों ने काफ़ी बाइंग्स की हैं और इससे पहले आपको फार्म हाउसेज भी काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड नज़र आए होंगे। आगे चल के आपको मज़ीद इसमें जो है वो इंशाल्लाह, जैसा कि फार्मर्स फेज़ 1 और फेज़ 2 में हमने जो प्रोमिसज़ किए जो फिर बाद में डिलीवर भी किए, सेम उसी तरह की यहाँ पर भी डेवलपमेंट्स होंगी और उससे ज़्यादा बेहतर डेवलपमेंट्स होंगी। तो 65 लाख पर कनाल फार्मर्स फेज़ 5 का रेट है और 1 साल की इजी इंस्टॉलमेंट्स पे आप इसको परचेज़ कर सकते हैं और 30% डाउन पेमेंट के बाद आप अपनी मर्ज़ी का इसमें इंस्टॉलमेंट प्लान एक रखें, 1 साल में आपने रिमेनिंग पेमेंट क्लियर करनी है। 50% पेमेंट जैसे ही आप अदा करते हैं तो आपको पोजेशन हैंडओवर कर दिया जाएगा, आप अपनी यहाँ पे अपना घर बनाएं, अपना फार्म हाउस बनाएं, अपने बच्चों के लिए यहाँ पे एक बेहतरीन किस्म का आप जो अच्छा सा फार्म हाउस डेवलप कर सकते हैं, वीकेंड स्पॉट एक अच्छा आपको मिल सकता है और DHA
की प्रेमिसेस हैं यहाँ पे, मोस्टली आपको सारा एरिया जो है वो फार्म हाउसेज से रिलेटेड नज़र आएगा और काफ़ी सेफ एंड सिक्योर है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको मज़ीद एक नए टॉपिक के साथ नज़र आएंगे और फार्मर्स फेज़ 5 या फार्मर्स फेज़ 1-2 की सेलिंग परचेजिंग के लिए खावर प्रॉपर्टीज़ प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, अच्छे रेट्स प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।